ग्वालियर नगर निगम में पदस्थ ड्राइवर की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। घटना 20 दिसंबर 2019 की है। ग्वालियर की नगर निगम में ड्राइवर के पद पर कार्यरत अखिलेश साहू 18 दिसंबर 2019 को अचानक घर से लापता हो गया था और 20 दिसंबर को हजीरा थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिली थी। अखिलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि अखिलेश का गला दबाया गया है, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हुई है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों को इस अंधे कत्ल को उजागर करने के लिए लगाया तो पुलिस को पता चला कि मृतक अखिलेश का विवाहित महिला अंजुमन के साथ नाजायज प्रेम संबंध थे, जिसके चलते अंजुमन के पति, बेटे और भांजे ने अखिलेश को घर बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी। मौका देखकर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मृतक अखिलेश साहू की प्रेमिका अंजुमन के पति मुश्ताक खान, बेटा सौरव और भांजे सलमान को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 20 दिसंबर 2019 को थाना हजीरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक में एक डेड बॉडी मिली, जिस पर से मर्ग कायम किया गया और जब पीएम कराया गया तो यह पता चला कि उसकी दम घोंट करके हत्या की गई है और फिर बॉडी वहां फेंकी गई है। उसमें 302 का मुकदमा कायम किया गया। मृतक की उस समय जब डेड बॉडी मिली तब पहचान अखिलेश साहू के रूप में हुई। जब इस बारे में पूरी छानबीन की गई तो पता चला कि घर में जो आरोपी है मुश्ताक खान, उसके यहाँ अवैध संबंध थे। उस आधार पर ये हत्या उनके परिवारजन ने की थी और डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर फेंक दी थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद, साक्ष्य के बाद, जो सीएसपी महाराजपुरा है, टीआई हजीरा है, उनकी टीम द्वारा अच्छी विवेचना करके इसमें चार आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। घटना में प्रयुक्त नैनो कार और साफी जो प्रयुक्त की गई है वो जब्त की। आरोपियों के नाम सौरभ खान है, गोरे खान है, मुश्ताक खान है और मुश्ताक की पत्नी। बताया जा रहा है 2 दिन पहले से ये लापता था, उसकी सैलरी वैली आई थी, उस वजह से भी कुछ इन लोगों की प्लानिंग रही उसकी सैलरी को लेकर भी हत्या। ये अलग जो साक्ष्य है ये अभी पूछताछ और की जाएगी। अभी तो मुख्य बात यह है कि जो हत्या हुई है वो इनके द्वारा की गई और उसका जो प्रथम दृष्टया कारण है वो ये सामने आया। गला घोट करके हत्या की, गला घोट कर नहीं, दम घोट करके हत्या की गई। गला घोट कर अलग तरीका है, मुंह में तो हाँ, नाक में।